फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कोरल ड्रॉ में HDFC बैंक का लोगो कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका होता है, आप बहुत कम समय में HDFC बैंक का लोगो बना सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, हमने कोरल ड्रॉ पर चलते हैं। तो मैं अपने कोरल ड्रॉ पर आ गया हूँ। तो मैंने गूगल से ये बन निकाला है, ईमेल निकाली है लोगों की, इसी तरह मुझे सेम बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बना लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को दबाएंगे और ड्रैग कर लेंगे। ओके ठीक, पिक टूल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद को पीछे सेंटर कर लेंगे, सेंटर हो गया। इसके बाद इसमें कलर फिल कर लेंगे, रेड कलर, इसमें कलर फिल कर लेंगे, ये हो गया रेड कलर। ठीक, बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही जल्दी आपका HDFC बैंक का लोगो बन जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से अंदर को ड्रैग करेंगे, कुछ इस तरह से ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक, इसको वाइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे, वाइट क्लिक कॉपी हो जाएगा, इसको यहाँ से वाइट कर लेंगे। उसके बाद इस बॉक्स को और ये ऊपर वाले बाहर वाले बॉक्स को दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे ये ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे, तो ये बॉक्स जो है मर्ज हो जाएगा। ठीक, ये मर्ज हो जाएगा, तो इसको यहाँ से फिर वापस कर लेंगे। तो फिर शिफ्ट को होल्ड करके अंदर को ड्रैग करेंगे, कुछ इस तरह से वाइट क्लिक कर कॉपी कर लेंगे, या कॉपी करने के नेट कॉपी और दूसरी तरह कर सकते हैं, या आप इस पर क्लिक करेंगे प्लस प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखिए कॉपी हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कॉपी करने के, आप जैसे आपको सही लगे उस तरह से कॉपी कर लेंगे। ठीक, इसको और थोड़ा छोटा कर लेंगे, लगभग इतना कर लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद इसको ब्लू कलर कर देंगे, सही कलर है ब्लू, उस तरह ब्लू कलर कर देंगे। इसको कुछ देर के लिए बाहर कर देते हैं। ठीक, उसके अपने रेक्टेंगल लेंगे, इस तरह से देख पतला सा रेक्टेंगल लेना है, ये देखिए इस टाइप में लेना है। तो इस पर क्लिक करा, यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया लगभग इतना। ठीक, इसको फिर सी करके सेंटर कर लेंगे। ठीक, फिर इसको जो मैंने लिया बनाया उसको लेंगे और ये वाइट वाले को क्लिक कर देंगे, फिर ट्रिम कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। ठीक, इसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर से ड्रैग करके वाइट क्लिक कर देंगे, या वाइट क्लिक नहीं कॉपी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर से इसको ट्रिम कर दिया जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। ठीक, अब ये जो आपका बॉक्स है इसको यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करके और ये जो रेड बॉक्स को सेलेक्ट करके सी दबाएंगे, सी दबा दिया, ये आपका आ गया सेंटर में। ठीक, उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को हटाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे बॉक्स पे, ये ऊपर सबसे ऊपर ही आ रहा है, यहाँ से इसको नन कर देंगे। ठीक, ये आपकी लाइन नन हो गई, ये आपकी लाइन हो गई नन। ठीक, और ये नीचे देखिए आपको ये कुछ इस तरह HDFC बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ से फिर एक रेक्टेंगल लेंगे, इसके शॉर्टकट के आप बताए थे पहले मैंने, F7 है, यहाँ से आप इसको ट्रैक कर लेंगे अपने अनुसार, नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको टाइप करना है, टाइप करने के लिए आप ये को टेक्स्ट टूल का यहाँ पे है आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप कर लेंगे, इसको यहाँ से टाइप कर लिया, यहाँ से इसको बोल्ड कर लेंगे, यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे अपने अनुसार, जैसा आप चाहें उस हिसाब से बड़ा कर लेंगे, थोड़ा साइड से कर लेंगे, इधर से कर लिया। ठीक, उसमें कलर फिल कर लेते हैं, यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं और ये ब्लैक वाले को वाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका कुछ इस तरह से लोगो बन के तैयार हो गया। देखिए
कितने कम समय आपको ये लोगो बनाना मैंने बता दिया है। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था गूगल क्रोम का लोगो बनाना बताया था, और आपकी याद मैंने बताया है HDFC बैंक का लोगो बनाना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।